उत्तर प्रदेश में कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की परमिशन को लेकर इस वक्त की और बिल्कुल आज की ताज़ा अपडेट आ रही। जी हाँ दोस्तों, आज दिनांक 16 मई 2021 की लेटेस्ट न्यूज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मेरे साथ आप इसी तरह से बने रहिएगा। ये देख लीजिए, आज है रविवार और इसमें भी रविवार लिखा हुआ है। दिनांक 16 मई है, आज 16 मई लिखा हुआ है 2021। प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट से इस न्यूज़ को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है और न्यूज़पेपर नेम आप देख लीजिए। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं हमें न्यूज़पेपर नेम नहीं दिखता है, तो ये देखिए, आराम से देखिए, हिंदी में लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। आज 16 मई 2021 की लेटेस्ट अपडेट सिर्फ और सिर्फ हम आपके लिए लेकर आते हैं। दोस्तों, हम पल पल की हर छोटी बड़ी अपडेट लाते रहते हैं, आपकी परीक्षाओं से संबंधित, प्रमोशन से संबंधित। इस वक्त की सबसे बड़ी खुशखबरी आ रही है, बिल्कुल फर्स्ट पेज पर इस न्यूज़ को प्रकाशित किया गया है। चलिए हम न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करते हुए लेकिन वो प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को फटाफट अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स को इस बारे में जानकारी मिल सके। कुछ स्टूडेंट्स अपने भाई बहन के साथ न्यूज़ को बिल्कुल शेयर नहीं करते हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है, जिस वजह से वो स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। अब आप कहेंगे ये न्यूज़ कई बार मैं देख चुका हूँ, तो दोस्तों इसी वजह से आपको दोबारा देखने के लिए मिल रही, क्योंकि आप बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हैं वीडियो को, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और जो स्टूडेंट्स शेयर करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। बिना पर्चे पर उन्नत होंगे लाखों छात्र, यह आज की बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, आज ही इस न्यूज़पेपर में इस न्यूज़ को प्रकाशित किया गया है। मानक तय किए जा रहे हैं, कमेटी बना दी गई है, सारी चीज़ें आपको पता होंगी। ये न्यूज़ एक बार फिर से आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ ताकि उन स्टूडेंट्स को भी पता चल सके जिनको अभी तक पता नहीं चल पाया, ठीक है। यदि आपको पहले ही पता चल चुका है कोई बात नहीं, आप आराम कीजिए, आप थोड़ा सा यहाँ पर धैर्य बनाए रखिए। बहुत जल्दी गाइडलाइंस आने वाली है कि किस तरह से स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाएगा, किस तरह से आपकी परीक्षाएँ होंगी और कौन कौन से स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाएगा। हर छोटी बड़ी अपडेट मैं पल पल की अपडेट आपके लिए इसी तरह से लाता रहूँगा। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि नहीं किया है तो बिल्कुल अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आप देख लीजिए, यहाँ पर बताया गया कि मानक तय करने को कमेटी गठित कर दी गई है। कमेटी की संस्तुतियों पर गवर्नमेंट फैसला करेगी, ठीक है। जो भी कमेटी यहाँ पर निर्णय लेगी उसके आधार पर ही जो गवर्नमेंट है वो फैसला लेगी कि किस तरह से स्टूडेंट्स की परीक्षाएँ या फिर प्रमोशन किया जाए। कोरोना महामारी की स्थिति को देखते हुए शैक्षिक सत्र 2020-21 में मुख्य एवं सेमेस्टर परीक्षाओं के बिना ही छात्र छात्राओं को अगली कक्षाओं में प्रोन्नत किया जाएगा। ये आज दिनांक 16 मई की लेटेस्ट अपडेट है। कोई भी स्टूडेंट्स ये ना बोले कि हम दो बार देख चुके हैं न्यूज़, देख बार देख चुके हैं, तो कोई बात नहीं, तीसरी बार भी देख लीजिए। बहुत जल्दी आपको प्रमोशन मिलने वाला है और आपका एक छोटा सा काम ये है कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन स्टूडेंट्स को ये न्यूज़ मिल सके जिनको अभी तक नहीं मिल पाई है। इसी वजह से आपको बार बार ये चीज़ बताई जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। वो भाई बहन काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं जिनको न्यूज़ नहीं मिल पाती है, ठीक है। आप तो तीन तीन बार देख लेते हैं और मज़े लेते हैं यहाँ पर, लेकिन शेयर बिल्कुल नहीं करते, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। बाकी इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता है कि MGPRU, CSTMU और LU के कुलपति जी को यहाँ पर कमेटी का सदस्य बनाया गया है। सो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और 20 मई तक ये कमेटी अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को सौंपेगी। डेट देख लीजिए यहाँ पर, 20 मई मैं आपको बता रहा हूँ, 20 मई तक ये कमेटी अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को सौंप देगी। उसके बाद जो यूपी गवर्नमेंट है वो उस रिपोर्ट पर, उस जो भी गाइडलाइंस होगी उस पर फैसला लेगी कि आपको प्रमोट किया जाएगा, किस तरह से किया जाएगा। ये सारी चीज़ें 20 मई के बाद आपको क्लियर कर दी जाएंगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।